नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे बताऊं क्या हो रहा है। मैडम एक मतलब फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी आमिल मिला है। बहुत अफसोस की बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है, किस तरह से जो कश्मीरी पंडित एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दरबदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है, उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए, और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है। इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है, उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में, और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है, बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैम ये आपके मकान को लेके आपने सब कुछ छोड़ दिया गवर्नमेंट का, अपने बहन के घर में गई है, कहा जाता है कि वहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली है। वो तो सरकार को मालूम होगा कि क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं बताइए फौज के हवाले से कल फारूक साहब का एक बयान आया है कि जो पोलिंग बूथ है उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है? मैं कैसे कह सकते, अगर फारूक साहब ने कहा होगा तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। थैंक यू।